सब्सक्राइब कर रही है, बड़ा मुद्दा है। शिवम त्यागी इधर जो अभी लिस्ट पढ़ी है अभी यादव जी ने, वो तो बहुत लंबी लिस्ट पढ़ी है। एक सेकंड शिवम से ये जवाब लेने में जाना चाहता हूं, क्या एज अ पॉलिटिशियन आप ये भी देखते हैं कि कितना भी डिलीवर कर लो कई बार जनता वोट नहीं देती? क्योंकि ये तो अगर मैं यादव जी के हिसाब से चलूं तो उनका जो काम वो गिना रहे हैं उसके बाद तो कुछ बाकी नहीं रहा था वाराणसी में करने के लिए। वो सैफा ही भूल गया ना। मुझे लगता है कि मैं तो हर डिबेट में सबसे पहले काम ही गिनाता हूं और काम ही गिनाने के लिए लिस्ट लेकर बैठा हुआ हूं, लेकिन विषय यह है कि चुनाव खत्म हो गया और बात यह हो रही है कि 1.5 लाख वोट से भी अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जीते तो जो है बहुत कम मार्जिन है। और आपका कहना है, आपने जो सवाल पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ डिलीवर करने के बाद भी जो है जीत की गारंटी नहीं है, मार्जिन हो सकते हैं, मैं मानता हूं जनता है, जनता अपने तरीके से निर्णय लेती है। 5,81,000 वोट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 में थे, 6,74,000 2019 में थे और 6,12,000 जो है इस बार अप्रोक्सीमेटली करीब 50,000 का गैप रहा। और इस देश में हार जीत की अगर मैं बात करूं तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है 77 में जो है हार गई थी 64,000 वोटों से, और जब जीती तो उसके बाद फिर 1,10,000 वोटों से जीती। तो जब 1,10,000 वोटों से जब वो जीती, जिसको आप दिन रात आयरन लेडी आयरन लेडी आयरन लेडी कहते हैं, वो एक तिहाई प्रधानमंत्री थी क्या? या फिर उनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो गई थी क्या? या फिर इस देश में और भी बहुत सारे नेता हैं जो इसी मार्जिन से जीते हैं, 1,15,000 1,25,000 आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख से जीते हैं। और सच्चाई यह है कि दोनों के मिलने के बाद भी आपका कैंडिडेट हरा नहीं पाया। दोनों के मिलने के बाद भी आप उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अगर बात करें 37-38 दल मिलाकर भी आप 240 पार नहीं कर पाए। तो विषय साफ है, जब देश का पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर, यानी कि एक क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो 34 के सारे नंबर मिला लिए जाए, जितने भी आए उनका टोटल करके 35वें बच्चे के अगर बराबर नहीं पड़ रहा तो अपनी हालत पहचानिए। बैसाखी पर खड़े हुए हो, सारे मिल गए, बावजूद उसके एक अकेले आदमी से नहीं लड़ पाए, एक पार्टी से नहीं लड़ पाए, उनके बराबर नहीं आ पाए। ये वाला हाल है क्या विवेक बंसल जी? विषय साफ है, चाहे वो, और ये रियलाइज करने में देरी हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? ये सच्चाई है, डेटा है ये। आइए आइए इसका जवाब ले लेता हूं। विवेक बंसल आपसे सवाल है मेरा कि स्थिति ये है, लेकिन असल में क्या कांग्रेस और उनके सहयोगी इस बात को रियलाइज करने में, आत्मसात करने में देर कर रहे हैं क्या? एक बार से गौतम जी जरा इसको दोहराइए, अपने प्रश्न को मेरे समझ नहीं पाया क्या था मेरे पर। शिवम कह रहे हैं कि जितने सबके मिला के हैं इधर पूरे गठबंधन के मिला के हैं उससे ज्यादा हमारी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद ये एनालिसिस जो है ये समझ में नहीं आता। इंदिरा गांधी का हवाला भी दिया उन्होंने कि वो 77 में हारी थी और उसके बावजूद आप तो 400 पार की बात कर रहे थे त्यागी जी, और आप तो 400 पार की बात कर रहे थे, कहां रह गए 240 तक सिमट गए आप बात कहां? अरे हम ब्राइट स्टूडेंट हैं भाई, हम क्लास के डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं, हमारे गोल्स बड़े होते हैं, हमारे गोल्स बड़े हैं, हमें जीतना था, हमें 400 लाने थे, लेकिन हम जीते भी कम मार्जिन। एक बात मैं जरा ये तूतू मैमो को रोकता हूं प्लीज। विवेक बंसल आप इधर ऑफ लेट गए हैं क्या वाराणसी? इसका विश्लेषण कीजिए। विवेक सर आप गए क्या इधर? संदर्भ में भी बात कहना चाहूंगा और कि किस तरीके से आज प्रदूषण मुक्त, कहा आपने एक लक्ष्य लिया था जब आप 2014 में आए थे। विवेक सर को मेरी आवाज नहीं जा रही है? विवेक बंसल सर आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, ऑफ लेट आप गए हैं क्या वाराणसी? किस तरीके से आपने आज जो चारों धर्मेंद्र यादव जी के पास जाने दीजिए मुझे और इंश्योर कीजिए कि मेरी आवाज जा रही हो विवेक बंसल जी को। धर्मेंद्र यादव जी आप गए हैं क्या इधर वाराणसी? आप आ रहे हैं विवेक बंसल जी को आवाज डाउन करके उनको उनको बोलिए कि आवाज उनको नहीं जा रही है शायद मेरी। हाँ धर्मेंद्र जी, मैं वाराणसी गया हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, अपने काम बता रहा हूँ। नहीं आपने अपने काम को गिना दिया सर, मेरे को दो बातों का जवाब दिया। अगर आप काम गिना रहे हैं तो आपको क्यों नहीं लाया गया पार्लर में? अब सुनिए तो, अब भारतीय जनता पार्टी अगर 240 सीट को 543 मान ले, भारतीय वोट मिले थे 2019 में, अब सुनिए शालिनी यादव को, बीच में बोल रहे 70,000 मात्र आपकी पीड़ा और दर्द हमें पता है, 70,000 वोट मिले थे काम गिनाने के बाद। भाई सच्चाई सुनिए, सच्चाई से भागिए मत। ये लाला लैंड में एक अलग है। नहीं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने सारे काम कर दिए थे तो वाराणसी मैं गया हूँ और वहाँ के लोगों से मेरी बातें भी हुई हैं। वो कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है वाराणसी में और नरेंद्र मोदी ने इस जगह का कायाकल्प कर दिया है। क्या वो सारे लोग जो ये नजरिया वहां रखते हैं और अपना सांसद और प्रधानमंत्री वहां से चुनकर भेजते हैं एक तरीके से, क्या वो सारे लोग आपके किए हुए कामों के लिए नाशुक्रे हैं?
क्या वो आपके लिए कृतज्ञ है? दिनेश जी, मैं शिवम जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बनारस में जो काम किया है, इस शो में आपने बनारस के विकास की बात करी है, तो आप विकास की बात बताइए, लेकिन उसमें बात नहीं करेंगे। अभी जो लालपुर की आप बात कर रहे थे, लालपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का अगर वो लिस्ट गिनाने लगे ना, अभी धर्मेंद्र यादव जी वो लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनको ये मौका नहीं दे रहा हूँ कि लिस्ट पढ़ें, क्योंकि लिस्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है कल सुबह तक हमको यही शो करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जरा जो रुझान आ रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछे थे, उसके रुझानों में क्या दिखाई दे रहा है वो आपको बता दूं। क्या कह रही है जनता जरा देख लीजिए, बीते 10 साल में वाराणसी में कितना विकास कार्य हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प कर दिया, 95.5% लोग ऐसा कहते हैं। देखिए तो जो मैंने वहां लोगों से बातचीत में देखा वही यहां पर यह देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये रुझान क्या कहते हैं? विकास हुआ लेकिन स्पीड स्लो है 3.5%, वाराणसी का विकास कार्य सिर्फ दिखावटी है सिर्फ 1%, सबसे ज्यादा 95.5 स्टैगरिंग क्या कह रहे हैं, कायाकल्प हुआ है, जमीन आसमान वाला अंतर है। अगला सवाल, 2027 के चुनाव में मोदी योगी बाजी पलट देंगे क्या? बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, 76% लोग कह रहे हैं। राह मुश्किल है लेकिन जीत मिलेगी, 22%, ये भी एक साइजेबल चंक है। यूपी में एनडी की सरकार बनेगी क्या, 1.7। थर्ड क्वेश्चन भी लेकर आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा इधर चल दूं मैं। आपको बार बार इस चीज के लिए इन्वाइट किया जा रहा है कि आप अपने विकास कार्यों को गिनाएं वहां पर। ये शिवम, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं और ईमानदार विश्लेषण चाहता हूं कि क्या जैसा कहा जाता है कई बार कि राजनीति कई बार बहुत बेरहम होती है, आप अगर डामर की रोड बना देंगे तो लोग चाहेंगे सीमेंट की बना दें तो लोग चाहेंगे कि शायद अब ये सोने चांदी की होनी चाहिए, और उससे आगे अगर आप कर दें तो हो सकता है प्लेटिनम की चाहा जाए। क्या इस तरह का कुछ मामला है वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? देखिए, बाबा की नगरी है काशी, विश्वनाथ की नगरी है काशी, और वहां का जो सेवक है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और रही बात सोने की सड़कें बनाने की, तो हाँ, वहां की जनता की सुगमता और बेहतर जिंदगी के लिए अगर वो बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी बना देंगे हम, कोई समाजवादी। मेरा सवाल दूसरा है कि बेस्ट ऑफ द डिलीवरी के बावजूद क्या जनता आपको आपकी उम्मीदों से कम आंक सकती है? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूं कि हमें पिछली बार के मुकाबले जो वोट कम पड़े हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 पड़े हैं, उसके लिए भी हम अपनी चीजों को इवैल्यूएट करके बेहतर करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो इकट्ठे होकर भी नहीं जीत पाए हैं, ये उनके लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और प्लीज स्पेयर मी 40 सेकंड्स अपना काम बताने के लिए, मैं बता इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन सुन लीजिएगा, ये बार बार जो लगातार हमने काम किया, आपके काम को थोड़ा सा पंचर कर देते हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बनस डेयरी संकल्प प्रोजेक्ट हमने लगाया जिसके अंतर्गत जो है मिल्क प्रोसेसिंग और घी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट किया जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली जो है 22,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से 2023 से 2026 के बीच में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को हमने खड़ा करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 48 से ज्यादा सीवेज को ठीक करके हमने उसको आगे लिया, रिवर का जो सर्फेस लेवल उसको करने के लिए। अब इसके आगे आ जा रहा हूं, अभी रुक नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं मेरे पास है ये, क्योंकि पूरे चुनाव में इसी को तो सुना है जनता को। वाराणसी मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट में हमने काम किया है जिसमें फेज वन में हमने 206 करोड़ रुपए में टर्मिनल बनाया है जिसको डिलीवर कर चुके हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम में हमने 29 से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाकर जो है 339 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चलाया और उसको बेहतर किया। रोड कनेक्टिविटी में आ जाइए, अब आप 77 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बनाया चारों तरफ जिसकी कॉस्ट 1,890 करोड़ रुपए है और वो डिलीवर कर चुके हैं। अब छोड़ दीजिए, इसके अलावा वाराणसी गोपीगंज भड़ोई हमने रोड बनाया, उसके अलावा चकिया क्रॉसिंग पर हमने काम किया, उसके अलावा पांडे रिंग रोड मंदिर पर हमने काम किया, वाटर स्कीम पर वाराणसी में सुन लीजिए, अभी टैप वाटर की अगर हम खासतौर पर बात करें तो वो 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमने उसमें किए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रूरल ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट में हमने अप्रोक्सीमेटली 28,95,000 नल से जल की स्कीम वहां पर लगाई। अगर सिटी की हम बात करें तो वहां पर 1,22,000। शिवम, इसी से मैं बचना चाहता था। धर्मेंद्र जी, बहुत जल्दी से काउंटर, बहुत जल्दी से क्या कह रहे हैं आप? मैं भी समझना चाहता था लेकिन थोड़ा सा और शिवम प्लीज शिवम जी, बनारस मेट्रो का डीपीआर बना के हमने 2017 में दे दिया था, लेकिन अब 2024 हो गया है, एक फ्लोर नहीं खड़ा कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो पहले ये बताइए कि मेट्रो का कब काम होगा? नदी में दो पुल बने दोनों पुल समाजवादी पार्टी सरकार। मैं राजनीतिक विश्लेषक आपके विश्लेषण में आना चाहता हूँ।
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना वो इसलिए भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पॉजिटिवली कंटेजियस है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस बार जो हमने पूर्वांचल में देखा है, क्या क्या उस हिसाब से अब राय बदलनी चाहिए? देखिए, मुझे अभी भी यही बात मैं कहूंगी कि जो भी नतीजे आए हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है और उसी को मैंडेट मिला है लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का भी और देश का भी। दूसरी जो बात हो रही थी विकास की, नहीं, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। क्या आप ये कह रही हैं कि दो बार की एंटी इनकम्बेंसी को सर्वाइव करते हुए, क्योंकि बेस्ट ऑफ द डिलीवरी के बावजूद बिल्कुल कई बार ऊब होती है, कई बार बहुत अच्छी चीज भी बहुत दिनों तक बहुत अच्छी नहीं लगती, क्या इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी को सर्वाइव करते हुए ये भी जो है इसको करिश्मे के तौर पर देखना चाहिए? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि आप देखिए, आपके पास कोई और दूसरी सरकार के ऐसे उदाहरण नहीं है जो चुन के, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के, कहीं जवाहरलाल नेहरू की तरह नहीं कि उनको मनोनीत कर दिया गया था, खुद से नॉमिनेट हो गए थे, तो वो नहीं, यहाँ पे चुन के सरकार तीसरी बार आई है। इन सारी चीजों के बाद ये सारा विपक्ष एक साथ होके उसने प्रोपेगेंडा चलाया संविधान की बात की। तो धर्मेंद्र जी, ये मतलब कुल मिलाकर यहाँ से आगे